दोस्तों, आज का दिन ना सिर्फ हम भारतवासियों के लिए बल्कि दुनिया भर में फैले बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि आज के दिन अर्थात 6 फरवरी सन 2022 को भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर जी से जुड़ी सारी की सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ, जिससे लता मंगेशकर जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया जा सके, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या हम सभी के लिए किया है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, लता मंगेशकर जी लगभग बहुत समय से, 6 दशकों से वो गाना गा रही थी, और उन्होंने ना सिर्फ हिंदी भाषा में गाना गाया है बल्कि उन्होंने बहुत सारे गैर हिंदी भाषाओं में भी गाना गाया है। इनका जन्म इंदौर में हुआ था, और बात करें इनका जो मृत्यु है वो मुंबई के कैंडी अस्पताल में हुआ है। कोरोना कारण बताया जा रहा है इनकी मृत्यु का। इनके जो माता पिता का अगर बात करें तो दीनानाथ मंगेशकर जी इनके पिता थे और श्रीमती मंगेशकर जी इनकी माता थी। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। अगर पुरस्कारों की बात करें तो पूरी की पूरी एक बहुत पुरस्क मैं वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, उन सभी को काउंट नहीं कर पाएंगे हम। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुका है उन्हें, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार मिल चुका है उन्हें, पद्म भूषण मिला था 1969 में, दुनिया के सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी 1974 में उनके नाम है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला उन्हें 1989 में, फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट उन्हें मिला 1993 में, ऐसे बहुत सारे। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था, और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है वो उन्हें 2001 में मिला था। मतलब बहुत सारे सम्मान लता मंगेशकर जी अर्थात दीदी को मिला था। उनका जाना ना सिर्फ फिल्म जगत के लिए एक बहुत बुरा समाचार है, बल्कि पूरे भारत देश के लिए एक बहुत ही बुरा समाचार है, क्योंकि लता मंगेशकर जी ने बहुत सारे ना सिर्फ अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि जनमानस में उनका छाप हमेशा के लिए अमर रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने बहुत सारे लता मंगेशकर जी का फोटो जो कि पीछे चल रहा था उसको देखा। मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूँ, लता मंगेशकर जी का आज भले निधन हो चुका है, लेकिन उनके जो गाए गाने हैं उनसे वो हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए अमर रहेंगे। थैंक यू।